हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैटरी अगर आपकी डाउन हो जाती है और इमरजेंसी में अगर आपको गाड़ी चालू करना है तो कैसे चालू कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है, उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। तो तीन रीजन हो सकते हैं बैटरी डाउन होने के। एक जो रीजन है वो मेन बैटरी खराब हो चुकी है, उसकी वजह से डाउन होते हैं। दूसरा जो रीजन है दोस्तों, आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं है और आपने गाड़ी का लाइट चालू रख दिया है या फिर म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया है और आप म्यूजिक सुन रहे हो, सो बैटरी डाउन हो सकती है। तीसरा जो रीजन है दोस्तों, आपका अल्टरनेटर खराब है या फिर आपका बेल्ट टूटा है गाड़ी का अल्टरनेटर बेल्ट। अल्टरनेटर बेल्ट जो होता है वो अल्टरनेटर को घुमाता है, उससे बैटरी चार्ज होती है। गाड़ी को स्टार्ट करना ये बैटरी का काम है। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो फिर उसके बाद में अल्टरनेटर वो बैटरी को फिर से चार्ज करता है। जब भी आप सेल्फ मारते हो मॉर्निंग में, सो क्या होता है, बैटरी का पूरा पावर वो सेल्फ कंज्यूम कर लेता है और बैटरी थोड़ी डाउन हो जाती है, सो उसको वापस चार्ज करने का काम अल्टरनेटर करता है। तो बैटरी दोस्तों ये है पिगी बैंक जैसा काम करता है। पिगी बैंक मतलब पिगी बैंक में आपको पैसा डालना है अगर निकालना है तो। अगर खाली पैसा निकालते रहोगे तो आपका पिगी बैंक खाली हो जाएगा, वैसे ही बैटरी फंक्शन करता है। सो आपको पैसा डालना भी होता है, सो आपको बैटरी को चार्ज भी करना होता है जब आपका बैटरी यूज कर रहे हो तभी। सो दोस्तों, वन बाय वन देखते हैं, अगर इमरजेंसी में आपकी गाड़ी अटक जाती है सो कैसे आप इमरजेंसी में उस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो चालू करने के पहले एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप बैटरी परचेस करना चाहते हो कभी भी कोई भी गाड़ी के लिए, सो ब्रांडेड बैटरी खरीदिए। ब्रांडेड मतलब एमरॉन हो गया, एक्साइड हो गया, यही दो ब्रांडेड कंपनी है इंडिया में। एमरॉन का जो है टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी उनको फोन कर सकते हो, कहीं पर भी अटके हो, कोई भी सिटी में अटके हो, उनका डीलर नेटवर्क काफी बड़ा है और डीलर नेटवर्क के साथ साथ में उनके काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है जो क्लेम वो तुरंत सेटल करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी गाड़ी अटक गई एक जगह पे, आपका बैटरी हो गया डाउन, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो बैटरी है वो 100% डाउन नहीं है। 100% डाउन नहीं है ये आप कैसा पता कर सकते हो? सो आपको कोई भी एक हेडलाइट हो गया या अंदर का एक छोटा सा बल्ब हो गया, ये चालू करके देखना है। आप इग्निशन ऑन करते हो, आपको डैशबोर्ड पे लाइट्स ऑन हो रहे हैं या आपका म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, कुछ ना कुछ आपको ये देखना है कि आपका बैटरी में थोड़ा तो जान रहना चाहिए, को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका बैटरी 100% डाउन नहीं है तो ही ये टिप्स आपको काम में आएंगी, अदरवाइज आपको वो बैटरी पहले चार्ज ही करनी होगी या अगर खराब है तो रिप्लेस भी करनी हो सकती है। सो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। दोस्तों मैनुअल गाड़ी काफी ज्यादा है, सो पहले मैनुअल गाड़ी को देखेंगे। आप दो तरीके से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, एक है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट आप कंपनी को फोन कर सकते हो, अगर आपका एमरॉन का बैटरी है तो आप एमरॉन के टोल फ्री नंबर पे फोन करके बैटरी को इमरजेंसी में स्टार्ट करवा सकते हो। या आपको मैं बेस्ट रास्ता बताता हूँ इनकेस ऑफ इमरजेंसी कैसे गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों पहली चीज हमने देख ली कि हमारी बैटरी 100% डाउन नहीं है। अगर 100% डाउन नहीं है तो हम लोग धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और काफी लोगों को मैंने देखा है जब धक्का मारते हैं तो उनको उनका उसका प्रोसीजर नहीं पता। सो ये वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा, वही प्रोसेस फॉलो करो, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। सो पहले आपको ध्यान रखना है आपका इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद में क्लच दबाना है, पहले गियर में गाड़ी डालनी है। पहले गियर में गाड़ी डालने के बाद में आपका अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हैंड ब्रेक को नीचे उतारना है और आपको पहले दो तीन लोगों को ढूंढना होगा धक्का मारने के लिए। अभी आपको अगर दो तीन लोग मिल गए धक्का मारने के लिए, आपने इग्निशन ऑन कर दिया है, गियर में गाड़ी डाल दी है क्लच दबा के और आपने हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया है। अभी आपको क्लच को नीचे पकड़ के रहना है तो गाड़ी को वो धक्का मारेंगे तो गाड़ी जाएंगी, क्योंकि अगर गाड़ी गियर में रहेंगी तो गाड़ी आगे जाएंगी नहीं। तो आप अगर क्लच दबा के रखोगे तो ही गाड़ी आगे जाएंगी। अभी आपने यहाँ पे क्लच दबा दिया है, अभी धक्का मारने के लिए बोलिए, धक्का मार रही है, देखो यहाँ पे लोग धक्का मार रहे हैं दो जन। अभी मैंने क्लच छोड़ दिया, क्लच छोड़ के अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई। सो यहाँ पे देखो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। सो धक्का मार के इजीली आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो इनकेस ऑफ इमरजेंसी। आपको खाली एक दो लोगों को रिक्वेस्ट करनी है, सर आ जाओ धक्का मार दो मैं अटका पड़ा हूँ, कोई भी आपको रास्ते पे कोई भी मदद कर सकता है। दूसरा जो तरीका है, आप एमरॉन या एक्साइड, अगर आपका एमरॉन का बैटरी है तो आप एमरॉन के टोल फ्री पे फोन कर सकते हो। एमरॉन का काफी बड़ा नेटवर्क है दोस्तों, तो आपको कभी भी इनकेस ऑफ इमरजेंसी आप उनको कॉल कर सकते हो और कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाएंगी। सो वो आएंगे, वो क्या करेंगे, आके एक बैटरी लेके आएंगे, जंप स्टार्ट करेंगे या फिर आपका बैटरी लेके जाएंगे, आपको सर्विस बैटरी दे देंगे, ये दूसरा रास्ता है। इनकेस आपको अगर जंप स्टार्ट करवाना है तो आप कैसे करते हैं जंप स्टार्ट? दोस्तों यहाँ पे हम लोग जंप स्टार्ट कैसे करते हैं ये बताएंगे। पहले हमने देखो यहाँ पे माइनस टर्मिनल जो ब्लैक में है ये लगा दिया है यहाँ पे,
अभी ये कार की बैटरी जो है उसके अंदर भी माइनस जो है वहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक के वहाँ पे लगा दिया है। अभी जो रेड जो ये क्लैम दिख रहा है, रेड क्लैम हम लोग लगाएंगे टर्मिनल के ऊपर और ये बैटरी के रेड के टर्मिनल पे लगाएंगे। सो यहाँ पे देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। देखो गाड़ी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। सो दोस्तों जंप स्टार्ट में आप ऐसा गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। सेम सिचुएशन आपको फॉलो करनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप किसी की गाड़ी से भी आप मदद ले सकते हो। हमने जो देखा था दोस्तों ये था जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट जो बैटरी से किया था, सेम जंप स्टार्ट आप कर सकते हो किसी के कार के बैटरी के थ्रू। अगर आपका डीजल गाड़ी है, सामने वाले का अगर पेट्रोल गाड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। खाली एक चीज ध्यान में रखना है आपको, उनका गाड़ी का इंजन ऑन रखना है। इंजन ऑन रहेगा तो एमपीआर प्रॉपर मिलेगा, थोड़ा ही स्टार्ट चाहिए होता है हमको, क्रैंक लेना है। तो अगर आपका ऑटोमेटिक गाड़ी है और अगर आपको गाड़ी का जंप स्टार्ट करवाना है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी धक्का मार के स्टार्ट नहीं होगी। जैसा हमने मैनुअल में देखा था, क्लच दबाने का सिस्टम था, ऑटोमेटिक में क्लच ही नहीं है। और ऑटोमेटिक में सबसे बड़ी दिक्कत है विदाउट बैटरी आप गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में ऑटोमेटिक गाड़ी है तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा आपको, जंप केबल खरीद के आपके गाड़ी में रख दीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी धक्का मार के स्टार्ट नहीं होने वाली है। सो सबसे अच्छा एक चीज है, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। सो आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास में ऑटोमेटिक गाड़ी है या कोई आपके दोस्त के पास में ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप उसे भी एडवाइस कीजिए कि एक जंप स्टार्ट केबल लेके गाड़ी में रख दीजिए, क्योंकि इस चीज का काम आपको कभी ना कभी पड़ेगा ही पड़ेगा। ज्यादा महंगी आती नहीं है, मैंने एक लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। बस अगर जंप केबल है आप किसी के भी गाड़ी से करंट लेके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। या जैसे आपको मैंने बताया था अभी मैनुअल गाड़ी में हम लोगों ने बैटरी लगाई थी, बैटरी टू बैटरी कनेक्ट करके स्टार्ट किया था, वैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बैटरी जो है ये पावरफुल होनी चाहिए। बैटरी का जो काम है मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। बैटरी का जो काम होता है वो इंजन को स्टार्ट करने का उतना काम होता है बैटरी का। उसके बाद में जो बैटरी है वो फिर से चार्ज होते रहती है और उसके थ्रू आपको करंट मिलता है। तो वूफर डालते हैं, एम्पलीफायर डालते हैं, बड़े बड़े फॉग लैम्प लगाते हैं और LED बार लाइट लगाते हैं और मुझे कहते हैं रवि भाई मेरे को बड़ा बैटरी डालना है क्योंकि ये मैंने एडिशनल फिटिंग किया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कार की बैटरी होती है ये जो होती है ये होती है दोस्तों वो RPM बेस्ड होती है। उसके अंदर एक सेट रहता है RPM, जो ECM सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो रहता है आपका, ECU जिसे कहते हैं, वो डिसाइड करता है उसको कितना एम्पियर चाहिए और कितना करंट चाहिए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, यहाँ पे हम लोग वायर निकाल रहे हैं। ये देखो ये प्लस माइनस का वायर निकल गया, यहाँ पे अभी देखो ये प्लस का वायर निकल गया। देखो यहाँ पे वायर नहीं है तो भी गाड़ी स्टार्ट है। सो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि आपका गाड़ी का जो बैटरी का काम है वो इंजन को स्टार्ट करना है, उसके बाद में आपका गाड़ी अल्टरनेटर जो है वो आपको करंट जनरेट कर रहा है, क्योंकि आपकी जब गाड़ी घूमती है अल्टरनेटर देखो यहाँ पे बेल्ट के थ्रू घूम रहा है। सो अल्टरनेटर बेल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बेल्ट अगर आपका टूटा है तो भी आपका बैटरी डाउन होगा क्योंकि बैटरी वापस चालू नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके फैमिली मेम्बर्स या दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वो इनकेस ऑफ इमरजेंसी अटक जाते हैं तो उनको एटलीस्ट समझ में आएगा कि उनको गाड़ी कैसी स्टार्ट करनी है इमरजेंसी में। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।